बहुत स्वागत है, मैं आपकी दोस्त होस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ फेस योगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम हाउसवाइफ होते हैं या मोस्टली हम जिम नहीं जाते हैं तो हमारी ये चीज़ काफ़ी हैवी हो जाती है, या हम वैसे पतले हो जाएंगे लेकिन फिर भी हमारी ये चीज़ हैवी रहती है। तो मैं इसकी बहुत ही ईजी एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, जो सिर्फ आपको 5 मिनट्स करनी है और आपको इसका रिजल्ट 30 से 35 दिन के बीच में अवश्य देख लेंगे और लोग आपको नोटिस करेंगे कि हाँ ये चीज़ आपकी स्लिम होने लगी है। और ये करने में भी बहुत ईजी है। तो इसकी मैं 5 एक्सरसाइज बता रही हूँ और ये सिर्फ आपको 30 सेकेंड एक एक्सरसाइज करनी है, यानी कि 2.5 मिनट में आपकी सभी एक्सरसाइज पूरी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है चिंगम चबाना। यदि आप चिंगम की शौकीन हैं तो आप रियल में भी चिंगम खा सकते हैं किसी टाइम, अदरवाइज आपको जैसे आप चिंगम चबाते हैं ऐसे करना है। चिंगम चबाते हैं तो ये हमारे जो फेस होते हैं उससे भी हमारे जोर पड़ता है और हमारी ये प्रॉपर एक्सरसाइज होती है जिससे कि हमारे इस चीज़ में फर्क पड़ता है, जो यहाँ का फैट होता है वो रिड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है, जो कि आजकल बहुत चल रहा है, पाउच। जैसे हम पाउच के लिए बनाते हैं पर इसमें थोड़ा अलग है कि लोग आप पर हंसेंगे। तो देखिए कैसे बनाना। जब आप पाउच बनाते हैं तो आपका जो ये पूरा हिस्सा होता है ये सब इस पर, मतलब ये इसकी एक्सरसाइज होती है, इस पर जोर पड़ता है और आपकी ये मसल्स खींचकर मसल्स खींच जाती है जिससे आपका यहाँ से फैट लूज हो जाता है। तो ये भी हमें 30 टाइम्स ट्वाइस इन ए डे करना है। टाइम नहीं है या 2.5 मिनट का भी टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप इसे, जैसे आप खाना बना रहे हैं आपको एक्सरसाइज करनी याद नहीं रही है तो आप ऐसे करते रहिए खाने, जैसे रोटी मिल रहे हैं एक्सरसाइज है। फ्रेंड्स, ये अगर आप मॉर्निंग में वाटर अपने मुँह में पानी भर कर करते हैं तो भी अच्छे है, अदरवाइज आप पानी नहीं भर कर करते हैं तो आपको ऐसे करना। जैसे हम लोग पहले बचपन में कुल्ला करते थे, अब शायद हम लोग बहुत से नहीं करते, मैं भी नहीं करती थी, मतलब अब छोड़ दिया था, लेकिन आप जैसे पानी को अपने अंदर रोटेट कर रहे होंगे। थर्टी के 2 बैच भी कर सकते हैं और अदरवाइज आप 10-10 बार के 6 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो ये भी आप कभी भी कुछ काम करते करते हुए तो आप 10 बार तो मेरे साथ ही। अब हम 4th एक्सरसाइज पर चलते हैं। 4th एक्सरसाइज भी हमारी बहुत ही ईजी है और जो ये हमारे बाल हैं ये इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है, जो इस तरह का बाल चढ़ जाता है तो उसके बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। ये है, जैसे हम गुब्बारा फुलाते हैं इस तरह से हमारा मुंह में हवा भरनी है और उसे एकदम से छोड़ दी है, तो ये हमारे फेस की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है। और जो हमारी 5th एक्सरसाइज है, 5th एक्सरसाइज भी हमारी बहुत ही इजी है। इसमें आपको ऐसे लगना है जैसे आपका फेस सिकुड़ रहा है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप एक्सरसाइज करें तो पूरी 100% कोशिश करें, यदि आप खड़े हुए काम करते हुए कर रहे हैं तो आपकी कमर सीधी रहे, और अगर आप बैठ के कर रहे हैं या कुछ भी टीवी देखते हुए कर रहे हैं तो आप अपनी कमर सीधी रखने की पूरी, मतलब आपकी कमर है वो बिल्कुल सीधी हो, तो इससे एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और दूसरी बात, आपको कमर भी सीधी रखनी आ जाएगी। तो ये देखिए हमें क्या है, अपने चेहरे को जैसे हम कपड़े इस तरह से निचोड़ते हैं ऐसे ही हमें अपने चेहरे को निचोड़ना है। करने आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर करिए फ्रेंड्स। और एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूँगी, वो बहुत ही ईजी है। जैसे कि हम चिल्लाते हैं हमें वैसे ही एक अपने फेस पे एक्सप्रेशन देना है, आपको चिल्लाना नहीं है वरना आसपास के लोग सब चले जाएंगे, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन देना है। तो देखिए आप ये चीज़ें कितनी खींच रही है मसल्स, तो यहाँ पे आपका बाहर निकल जाता है वो हमारे से दूर हो जाता है। ये आप 10 टाइम्स एक बार दिए, कम से कम आप 30 तो हर चीज़ की ज़रूर करिए फ्रेंड्स एक दिन में, तभी आपको मतलब ये 10 से 12 दिन में ही लोग आपको नोटिस करने लगेंगे और आपको फर्क भी पता चल जाएगा। हमारा जो ये फेस का वेट है, मतलब हैवी फेस है, वो रिड्यूस हो जाता है। पर जब हमारा जो फेस है वो जब उसका फैट रिड्यूस होता है तो हमारे क्या होता है, ये बाल लटक जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसको जब आपको सही करना है तो उसके लिए हमारी एक्सरसाइज है, आप इस तरह से अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, जो ये हमारी 4 फिंगर है ये इस तरह से आ जाएंगी और इसे इस तरह से मसाज करेंगे।
फ्रेंड्स ये हमें नीचे से ऊपर की ओर यहाँ तक करनी देखिए, यहाँ से लेके जाके यहाँ तक। तो इससे क्या होगा, जल्दी आपके गाल जैसे लटक जाते हैं या वेट जो लूज हुआ उससे खाल में लटक स्किन जो लटक रही है वो ठीक होगी। राउंड किया है तो आपको ये 10 बार करनी है, 30 बार का राउंड किया है तो 30 बार करनी है, जितनी बार का भी आप राउंड करेंगे उतनी बार ही हमें इसकी एक्सरसाइज लास्ट में ये करनी है। इससे जो हमारी जो खाल लटकेगी जिसे हम कहते हैं स्किन लटक गई है चेहरे की वो नहीं लटकेगी, और सबसे बड़ी और थोड़ी सी जो आपकी जो एज है वो भी आपकी रिवाइंड हो जाएगी, मतलब आप धीरे धीरे यंगर दिखने लगेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ आपको, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ आप कुछ कर रहे हैं तो भी आप ये एक्सरसाइज दोहरा सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये मेरी फेस योगा है वो बहुत पसंद आई होगी, बहुत नहीं तो थोड़ी बहुत तो पसंद आएगी। और सबसे बड़ी बात है आप इसे अप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये अप्लाई करनी बहुत ही ईजी है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, आपको मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों के लिए 3 या 4 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम लगेंगे, 3 या 4 मिनट। और आपको एक स्पेशल ऐसा नहीं है कि आपको योगा मैट बिछानी है, आप तभी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी बैठकर बेड पर या कहीं पर भी बैठकर इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं और अपना फेस का वेट रिड्यूस कर सकते हैं या अपने फेस को एक शेप में दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें।